वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए पास्ता की रेसिपी लेकर आए हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, जो कि बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो आइए शुरू कर देते हैं। तो हमने सामान क्या क्या लिया है आपको बता देते हैं। हमने लिया है बॉयल किया हुआ पास्ता एक कटोरी, अदरक और लहसुन 3-4 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक, हरी धनिया थोड़ी सी, 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर बारीक कटी हुई और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई। तलने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे, तेल को गरम होने देंगे। तो तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें मसाले में हम केवल जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच और पिसी धनिया डाल देंगे 1/2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। फिर इसमें लहसुन की कलियां और जो अदरक रखी थी वो हरा मिर्च वो डाल देंगे। लो फ्लेम कर देंगे इसको 1/2 मिनट तक। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो कट रखा था हमने काट के। 2 मिनट तक इसको भून लेंगे हाई फ्लेम पे, फिर लो फ्लेम कर देंगे। मेरा प्याज पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे गाजर रखी थी बारीक काट के और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। अब इसको हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। मेरी सब्जियां पक चुकी हैं। अब इसमें हम जो ये पास्ता बॉयल करके रखे थे इसको डाल देंगे और चला देंगे। 1 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे, इसको चलाएंगे, फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें हमने धनिया पत्ती काट के रखी थी वो डाल देंगे, चला देंगे। इसके बाद ये चिली टोमेटो सॉस रखा था वो डाल देंगे और 1 चम्मच ये डाल देंगे सोया सॉस, चला देंगे। तो मेरा पास्ता बनके तैयार है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मेरा पास्ता बनके तैयार है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।